हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी, पर इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। ब्राउनी बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स: 100 ग्राम डार्क चॉकलेट और 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट, यानी कि 200 ग्राम। आप चाहे तो 200 ग्राम पूरी डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। बेकिंग करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करें वो सब रूम टेम्परेचर में ही होने चाहिए। चीनी 1 कप, आधा कप ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर यूज़ करने से ब्राउनी का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। मैदा 1/2 कप, 1/4 कप कोको पाउडर, 1/2 कप बटर, 3 अंडे, 1 TSP वैनिला एसेंस, 1/4 TSP नमक। सबसे पहले हम एक स्क्वायर वाला बेकिंग पैन लेंगे और उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। ब्राउनी में हम कभी भी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ब्राउनी का टेक्सचर हमेशा फजी रहता है, वो केक की तरह फूलती नहीं है। अब हम चारों तरफ से अच्छी तरह से बटर पेपर लगा देंगे और उसे भी एक बार ग्रीस कर लेंगे। इस पैन को भी मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और अवन को भी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। अब हम डबल बॉयलर का मेथड यूज़ करके चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे बटर के साथ। डबल बॉयलर का मीनिंग ये है कि जब नीचे के बर्तन का जो पानी बॉयल होगा तो ऊपर के बर्तन में जो चॉकलेट है वो ऑटोमेटिक मेल्ट होने लगेगी। आप अगर चाहें तो इस चॉकलेट को माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं बटर के साथ। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट ज़्यादा ओवरकुक होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में चॉकलेट जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप जब भी चॉकलेट मेल्ट कर रहे हो तभी डबल बॉयलर मेथड से ही चॉकलेट मेल्ट कीजिए, वही एडवाइजेबल है। अब ये चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर चीनी और ब्राउन शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी और ब्राउन शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अब हम इसमें एक एक करके अंडे डालेंगे। एक एक एग डालने के बाद हमें इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। इस मिक्सचर को हमें ज़्यादा ओवर विस्क नहीं करना, सिर्फ हमें इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें वैनिला एसेंस और नमक ऐड करेंगे और एक बार वापस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जस्ट मिक्स ही करना है। अब हमने जो चॉकलेट मेल्ट की थी अब हम उसे इसमें ऐड करेंगे। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैदा और कोको पाउडर को इसमें छान के ऐड करेंगे। अब हम स्पैचुला से इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चॉप्ड वॉलनट्स ऐड किए हैं, आप चाहे तो आपके पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ये बैटर आप रेडी हो चुका है, अब हम इसे ग्रीस की हुई ट्रे में डाल देंगे। ये ब्राउनी बेक करने के बाद इतनी फजी बनेगी, ये बिल्कुल भी केक की तरह नहीं लगेगी। अब हम इसे बेक करने के लिए अवन में रख देंगे 50-55 मिनट्स के लिए 170-180 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये ब्राउनी बेक होके रेडी है और ऊपर का टेक्सचर भी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने इसे 3-4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे और कट करेंगे। ब्राउनी कट करने से पहले हमें नाइफ को अच्छी तरह से गरम पानी में डिप करना है और उसे टिश्यू पेपर से वाइप करके फिर ब्राउनी को कट करना है। जैसे जैसे हम ब्राउनी को कट करते जाएंगे
तब तब हमें नाइफ़ को गर्म पानी में डिप करके टिश्यू पेपर से वाइप करके ही ब्राउनी को कट करना है। मैंने ये ब्राउनी के पीसेस कर लिए हैं। अब हम एक ब्राउनी को तोड़ के देखेंगे कि ये अंदर से कैसे बनी है। वाओ, तो देखिए ये अंदर से भी कितनी सॉफ्ट बनी है और फजी भी, बिल्कुल भी केक की तरह नहीं है। आप भी इसे ट्राई करके देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए। थैंक यू।